भूत चुड़ैलों की बदलापुर एक्सप्रेस। चलो भाई अपनी अपनी टिकट निकाल लो। टीसी के इतना कहते ही ट्रेन में सफर कर रहे सभी लोग अपनी अपनी टिकट निकालना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते टीसी एक के बाद एक सबकी टिकट चेक करने लगता है। कुछ लोगों की टिकट चेक करने के बाद उसे कंपार्टमेंट में बैठे हुए कुछ लड़के और लड़कियों की आवाज आने लगती है। जैसा कि मैंने पढ़ा है कि उस बुक में आज भी यही लिखा है कि बदलापुर के भूत प्रेत बदलापुर में ट्रेन रुकने का इंतजार करते हैं और ट्रेन के रुकते ही ट्रेन के अंदर बैठे हुए सभी पैसेंजर्स को मार देते हैं। तुम्हें पता है भोपालपुर के इस रास्ते पर ही बदलापुर का स्टेशन आता है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तभी अंकित विनीता का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है और फिर ऐसी मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं। चल राघव, तू ये सब बंद कर, बहुत हुआ। अरे लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, इस कहानी में कुछ झूठ नहीं है, वो लोग मारे गए थे। लेकिन वो लोग क्यों मारे गए? तभी वहाँ टीसी आ जाता है। इस बात को यहीं बंद कर दो और चुपचाप यहाँ सफर करो, और सबसे पहले मुझे अपनी टिकट दिखाओ। टीसी उनके साथ बहुत रूडली बर्ताव करता है, जिसके चलते विनीता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। आखिर उस बदलापुर के स्टेशन पर हुआ क्या? विनीता के दिमाग में ये क्वेश्चन चलता ही रहता है। वहीं टीसी भी आगे पहुंच जाता है। उसके जाने के बाद विनीता खिड़की वाली जगह बैठकर बाहर की तरफ देखने लगती है। इस रात में यूं सफर करने में कितना मजा आ रहा है, कुछ देर बाद हम लोग भोपालपुर पहुंच जाएंगे। तभी अचानक से ट्रेन की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और ट्रेन को एक बहुत तेज झटका भी लगता है, जिसके चलते ट्रेन एक स्टेशन पर आकर अपने आप रुक जाती है। क्या हुआ, अचानक से ट्रेन क्यों रुक गई? रुको, मैं टीसी से जाकर पता करता हूँ। अंकित टीसी के पास जा पाता उससे पहले टीसी आ जाता है और ट्रेन में बैठे हुए सभी पैसेंजर्स को आगाह करने लगता है। अरे कोई भी ट्रेन से बाहर मत निकलना, नहीं तो किसी की भी जान को खतरा हो सकता है। तभी सभी पैसेंजर्स में से एक लड़की कहती है, यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है? ये ट्रेन कौन से स्टेशन पर रुकी है? बस मैं तुम्हें स्टेशन का नाम नहीं बता सकता, अगर मैंने तुम्हें नाम बताया तो अनर्थ हो जाएगा। तभी एक औरत खिड़की से बाहर झांकती है और जोर से चिल्लाकर कहती है, कोई नहीं बचेगा, अब हम सब मारे जाएंगे। ये स्टेशन कोई मामूली स्टेशन नहीं, बल्कि बदलापुर स्टेशन है। बदलापुर का नाम सुनते ही सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जब तुम्हें पता है कि स्टेशन पर रुकना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है, तो तुमने यहाँ ट्रेन को क्यों रोके रखा है? इंजन के अंदर कुछ खराबी हो गई, जिसके चलते ये ट्रेन अचानक इस रेलवे स्टेशन पर आकर रुकी। बदलापुर से गुजरने वाली जो भी ट्रेन यहाँ रुकती है, उस ट्रेन का एक भी पैसेंजर जिंदा नहीं बच पाता। अब हम में से कोई नहीं बच पाएगा। तुम कैसी बकवास कर रहे हो? आखिर इस बदलापुर में ऐसा हुआ क्या है? चुप हो जा नादान लड़की, बार बार तू बदलापुर का नाम लेकर भूत और चुड़ैलों को हमारी मौत का न्योता दे रही है। तभी अचानक से ट्रेन के शीशों के ऊपर किसी के नाखूनों के खरोचने की आवाज आती है, जिससे अंदर सभी पैसेंजर्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो इस भीड़ के चलते हम में से किसी की भी जान जा सकती है। नहीं, ट्रेन के बाहर मत जाना, बाहर खतरे से खाली कुछ नहीं है। अंकित राघव की एक नहीं सुनता और वह विनीता का हाथ पकड़ के ट्रेन के दरवाजे के पास पहुँच जाता है। मत खोलो इस दरवाजे को, इसके पीछे चुड़ैल और भूतों का साया है। अंकित दरवाजा खोलता उससे पहले ही एक भयानक जला हुआ हाथ शीशा तोड़ के अंदर आता है और अंकित को अपने साथ खींच कर ले जाता है, जिसके चलते विनीता डर के मारे बहुत जोर से चिल्लाती है। आ, 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 वो उसे ले गया, जान बचाओ, भागो यहाँ से, नहीं तो अब कोई नहीं बचेगा। तभी जला हुआ हाथ अंदर से हाथ डालकर दरवाजा खोल लेता है। तभी दरवाजे से चुड़ैल और भूत अंदर आ जाते हैं। कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाएंगे। राघव विनीता का हाथ पकड़ता है और उसे वहां से भगाने लगता है। वहीं ट्रेन की छत फाड़ कर बहुत भयानक भूत ट्रेन के अंदर घुसाते हैं और लोगों को मारने लगते हैं। तुम इस टॉयलेट में ही चुप कर रहना, इससे बाहर मत निकलना। राघव तुम ये बताओ, इस बदलापुर में ऐसा क्या है जो भूत और चुड़ैल हम इंसानों से बदला लेते हैं? हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा। दरअसल हुआ ये था कि बदलापुर के स्टेशन पर आधी रात के समय एक दिन ये एक ट्रेन यहाँ पर रुकी। उसमें से कुछ साइंटिस्ट वहाँ से निकले, उन्होंने इस बदलापुर के गरीब और बेसहारा लोगों को रात के समय पकड़ा और उनके अंदर जानवरों के जेनेटिक्स डाल दिए, जिसके चलते उन बेचारे लोगों के ऊपर बुरा असर पड़ा और वो मर गए।
तब से वो अपनी मौत का बदला लेने के लिए उन साइंटिस्ट को ढूंढ रही है, लेकिन ये बात कई वर्षों पुरानी है, जिसके चलते उन साइंटिस्ट में से कोई भी नहीं बचा होगा। विनीता कुछ बोल पाती तभी वहाँ अजीब सा दिखने वाला भूत प्रकट हो जाता है, जिसके चलते राघव विनीता को टॉयलेट में बंद कर देता है और खुद उस भूत का सामना करने लगता है। चलो जाओ यहाँ से, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हमसे बदला लेकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे कैसे जाने दूं, अपनी मौत का बदला लिए बिना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। भूत राघव के ऊपर वार करने ही वाला होता है कि तभी विनीता टॉयलेट से बाहर निकल आती है और भूत को ललकारने लगती है। दुष्ट कहीं के, तुझे क्या लगता है तू हमें मार देगा? अरे तू तो अपनी मौत का बदला ही नहीं ले पाया है, और तेरे बदले के चलते पता नहीं कितने बेकसूर लोग मारे गए जिन्होंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा तक नहीं था। माना ही है तो यहाँ से मुक्त होकर उन लोगों को मारो जो इस दुनिया में नहीं दूसरी दुनिया में हैं। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी भूत और चुड़ैल शांत हो जाते हैं और लोगों को मारना छोड़ देते हैं। क्या कहा तुमने, उन लोगों को जिन्होंने हमें मारा है वो यहाँ नहीं दूसरी दुनिया में है? अपने आप को देखो, तुम तो भूत और चुड़ैल भी तरीके के नहीं लग रहे हो। उन लोगों ने तुम्हारे अंदर जानवरों के जेनेटिक्स डाले थे, जिसके चलते तुम्हारा आधा शरीर तो जानवरों का और आधा शरीर इंसानों का। अगर तुम्हें अपना बदला लेना है तो यहाँ से मुक्त हो जाओ और दूसरी दुनिया में जाकर अपनी मौत का बदला लो। लड़की ने बिल्कुल सही कहा, हम बेवजह ही इंसानों को मार रहे हैं। कितनी सदियां बीत गई लेकिन अभी तक हमारा बदला पूरा ही नहीं हुआ। अगर हमें अपनी मौत का बदला लेना है तो यहाँ से दूसरी दुनिया में जाना ही होगा। लेकिन हम मुक्त कैसे होंगे? मैं जानता हूँ तुम मुक्त कैसे होगे। राघव अपने बैग से भगवत गीता निकाल कर लाता है। तुम सभी अपने हाथ इस भगवत गीता पर रखते जाओ, ऐसा करने से तुम्हें मुक्ति अवश्य मिलेगी, यही किताब में लिखा है। राघव के कहने पर सभी भूत और चुड़ैलों को भगवत गीता के ऊपर हाथ रखने के लिए कहता है। भगवत गीता के ऊपर हाथ रखते ही सभी भूत और चुड़ैलों को मुक्ति मिल जाती है, जिसके बाद से बदलापुर स्टेशन से भूत और चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। आखिरकार हम लोग जीत गए और हमने उन भूत और चुड़ैलों को मुक्ति दिला दी। लेकिन इस सफर में हमने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया। लेकिन तुमने अपनी बहादुरी से कई लोगों की जान बचाई है। ऐसा कहकर वह बूढ़ा आदमी राघव और विनीता को आशीर्वाद देता है। कुछ लोग तो मर चुके थे, लेकिन कुछ जो बच गए थे वो उस ट्रेन से निकलकर अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। रामपुर गांव में विमला का परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहा था। एक दिन विमला को अपने बेटे विशाल की शादी का ख्याल आया। बेटा, मैं सोचती हूँ कि अब तेरी भी शादी कर दूँ। मैं भी अब बूढ़ी हुई जा रही हूँ, तेरे सर पर सहरा बंधा देखकर मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी। मैं ऐसी बातें मत करो, अभी तो तुम पूरे 100 साल जियोगी। वो तो सही है, लेकिन तू बता, अगर तू कहे तो क्या मैं लड़की ढूंढना शुरू करूं? हाँ माँ, जो आपकी मर्जी, आप इस बारे में मुझसे मत पूछिए। ठीक है। फिर क्या था, विमला बहन लग गई अपने इकलौते बेटे विशाल के लिए कोई बढ़िया सी लड़की ढूंढने। विमला को वैसे तो बहुत सारी खूबसूरत और गोरी गोरी लड़कियों के रिश्ते मिले, लेकिन उन सभी को ही उसने ठुकरा दिया। अरे इस लड़की से तो मैं मिली हुई हूँ। ना बाबा ना, मुझे तो कोई सीधी सादी सी ही लड़की चाहिए जो घरेलू हो और सभी का अच्छे से ख्याल रखे। कोई फैशन की मारी नहीं चाहिए जिसके 1000 नखरे हों। विमला को एक ऐसी बहू चाहिए थी जो भले ही तन से सुंदर ना हो, लेकिन मन से बहुत ही सुंदर हो। और एक दिन उसे वो मिल भी गई। उसे एक हेमा नाम की लड़की पसंद आई जो पास वाले गांव में ही रहती थी। ये लड़की अच्छी है, मैं अपने बेटे विशाल की शादी इसी से करूंगी। फिर क्या था, इधर रिश्ता पक्का हुआ और उधर शादी, या कह सकते हैं कि चट मंग नीत पट ब्याह। विशाल को भी हेमा के रंग रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आजा बहू, अब से यही तेरा घर है। इस घर में मैं यानी तेरी सास, तेरा पति विशाल और तेरे ससुर जी ही रहते हैं। जी, लेकिन माँ ससुर जी कहाँ है? वो काम की वजह से घर से दूर ही रहते हैं, अपने बेटे की शादी तक पे वो नहीं आए। चल अब तू जाकर आराम कर ले। हेमा का ससुराल का पहला दिन बहुत अच्छा बीता, लेकिन उसे ये खबर थी कि उसकी जिंदगी में अभी तूफान आने वाला था। हेमा के कुछ दिन बहुत ही सुकून से बीते, लेकिन एक दिन, बहू आजा, मेरी कमर बहुत दर्द कर रही है, तो जा आज तू हैंडपंप से पानी भरा। जी माँ,
मैं अभी ले आती हूँ। हैंडपंप हमारे घर से थोड़ा सा दूर है, लेकिन इस समय सभी औरतें पानी भरने ही जा रही होंगी, तो तू किसी के भी साथ चली जाना, ठीक है माँ? हेमा ने अपना पानी का घड़ा उठाया और वो हैंडपंप की तरफ निकल गई। कुछ दूर चलकर हैंडपंप दिखाई दिया, लेकिन वहाँ पर एक लंबी लाइन लगी हुई थी। अरे यहाँ पर तो बहुत भीड़ है, कोई नहीं, पानी तो भरना ही है। हेमा पानी भरने के लिए लाइन में लग गई कि तभी एक औरत आई और लाइन में उसके आगे आकर खड़ी हो गई। सुनिए। जी मैं आपसे पहले से यहाँ खड़ी हूँ, तो आप मेरे पीछे आइए। चल चल चुप कर लो, मुंह बंद रख। ये क्या बात हुई? एक तो आप लाइन तोड़कर बीच में घुसी हो, ऊपर से बदतमीजी। वाह, देख ज्यादा मत बोल समझी, वरना अच्छा नहीं होगा। आई बड़ी काली कलूटी, आप जैसे बदतमीजों से तो जुबान लड़ाना बेकार ही है। हाँ तू सही समझी काली बुढ़िया। बेचारी हेमा चुपचाप सब कुछ सुनती रही। देखते ही देखते पानी भरने की हेमा की बारी आ गई। ओहो काली कल्लो, कहाँ? जी हटिए, मुझे पानी भरना है। अरे पानी भरना है तो नदी पे जाओ। क्यों? पानी तो सभी यहीं से भरते हैं, तो मैं नदी पे क्यों जाऊँ? क्योंकि तुम काली हो ना, अब तुम यहाँ से पानी भरोगी तो हमें डर है कि कहीं हम लोग भी तुम्हारी ही तरह बदसूरत ना हो जाए। जी समझ नहीं आया क्या? हम तुम्हें यहाँ से पानी नहीं लेने देंगे, समझे अमावस्या की चांद? नेहा और मीना हेमा की दिल खोलकर बेइज्जती करने लगी। वहाँ खड़ी सभी औरतें भी जोर जोर से हंस रही थी, जिसकी वजह से हेमा की आंखों में आंसू आ गए और वो बिना पानी भरे ही घर लौट आई। क्या हुआ बहू, पानी नहीं लाई? हेमा कुछ नहीं बोली और अपने कमरे में चली गई। मैं ऐसी क्यों हूँ? क्यों सभी मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं? मेरी सास मुझसे भेदभाव नहीं करती तो ये दुनिया वाले करते हैं, लेकिन अब मैं किसी को भी ऐसा नहीं करने दूंगी। बस अब मैं बोलूंगी, मैं अब इस तरह से चुप नहीं रहूंगी। हेमा ने फिर से अपना पानी का घड़ा उठाया और वो हैंडपंप की तरफ निकल गई। अरे कल्लो तू फिर आ गई, हटो यहाँ से, मुझे पानी लेना है। चल चल हट जाओ, पानी चाहिए तुझे, ये ले पानी। नेहा ने पानी से भरा हुआ घड़ा हेमा के ऊपर पलट दिया। ले काली, पानी चाहिए था ना तुझे? हेमा को बहुत गुस्सा आया और उसने नेहा के बाल पकड़ लिए। छोड़ मुझे, छोड़ कर लो, अब देख मैं कैसे तेरी खूबसूरती को मुट्ठी भर के उखाड़ती हूँ। अरे छोड़ मेरी सहेली को काली पागल। ऐसे ही हाथापाई में नेहा और मीना ने हेमा को जोर का धक्का मारा और उसका सर हैंडपंप में जा लगा। बेचारी हेमा वहीं पर मर गई। मैंने कुछ नहीं किया, भागो यहाँ से। सारी औरतें वहाँ से भाग गई। बेचारी हेमा के शरीर को भी कोई उठाने वाला नहीं था, लेकिन हेमा की आत्मा को शांति नहीं मिली थी। कुछ ही देर बाद उसकी रूह एक कोयल के रूप में वहाँ फिर से वापस आ गई। हादसे के अगले ही दिन दो औरतें हैंडपंप पर पानी भरने पहुंची। हेमा चुड़ैल वहीं पर हैंडपंप के पास वाले पेड़ पर आराम कर रही थी कि तभी वो उन औरतों को देखकर वहां पर आ गई। अरे ला जल्दी से घड़ा दे, क्या चूचू किए जा रही है? पीछे पीछे देखो। क्या पीछे? उस औरत ने जैसे ही पीछे देखा वहां पर एक काली चुड़ैल खड़ी हुई थी और तभी वो जोर जोर से हंसने लगी। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अब कोई भी नहीं बचेगा। भागो भागो, बचाओ बचाओ, चुड़ैल चुड़ैल कोई बचाओ। ये लो। उस चुड़ैल ने उन दोनों औरतों का सर पकड़ा और जोर से हैंडपंप में दे मारा, तो दोनों भी वहीं पर मर गई। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। हेमा की चुड़ैल आत्मा किसी को भी वहां से पानी भरने नहीं देती थी, लेकिन एक दिन वहां पानी भरने विमला पहुंची। ये बुढ़िया कौन है? हाँ जो भी है मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। हेमा पेड़ से उतरकर नीचे हैंडपंप के पास आ गई। वहां विमला शांति से पानी भर रही थी। चुड़ैल चुड़ैल कोई बचाओ, यहाँ चुड़ैल है, यही तो बोलने वाली थी ना, है? है ना? क्यों आई है यहाँ और मुझसे क्या चाहती है? चुड़ैल के हैंडपंप से पानी भरना मना है। और तूने ऐसा किया तो अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी।
जैसे ही हेमा ने विमला को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, विमला को उसके हाथ में अपनी दी गई अंगूठी दिखाई दी। हेमा, हेमा बहू, क्या ये तू है? अपनी सास को अपना नाम पुकारते देखकर उसे सब कुछ याद आ गया। हाँ हाँ सासू माँ, ये मैं ही हूँ, आपकी बहू। तेरी ये हालत कैसे हुई मेरी बच्ची? पता है मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। हेमा ने अपने साथ हुआ पूरा हादसा अपनी सास को सुना दिया। फिर विमला बोली, मेरी बच्ची, तेरे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन यूं इस तरह से मासूमों की जान लेना और भी ज्यादा गलत है। तुझे किसी ने जानबूझकर नहीं मारा था। मेरी बेटी, तू भी किसी को मत मार। चुड़ैल को अपनी सास की बात समझ आ गई। आपने सही कहा सासू माँ, मैं अब किसी को भी नहीं मारूंगी। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, अब मैं मुक्त होना चाहती हूँ। विमला ने हेमा के सर पर हाथ रखा और तभी हेमा वहाँ से गायब हो गई और गांव में एक बार फिर से शांति आ गई।